जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। रोज घर में करें ये छोटा सा काम, भाग जाएगी घर की दरिद्रता, बनेंगे बिगड़े काम। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बहुत ही खूबसूरत सा समय चल रहा है और ऐसे में जब हम बात करते हैं परेशानियों की तो मन उदास सा हो जाता है। कई बार हम बहुत सारे उपाय करते हैं, सारे भगवान की पूजा पाठ, जो भी छोटे छोटे चमत्कारी उपाय आते हैं वो सभी हम करते हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन से परेशानियां दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। अक्सर कई बार लोग सोचते हैं कि हमने ये किया वो किया फिर भी हमारे प्रॉब्लम्स दूर नहीं होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वही आपको बताती हूँ जो शास्त्रों में लिखा है। अपने अपने कर्म जरूर करें, क्योंकि कर्म हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट करते हैं। हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि इंसान कमाते कमाते भी परेशानियों से घिरा रहता है, जिसकी वजह से उसके जीवन पर दरिद्रता और दुर्भाग्य का साया मंडराता रहता है। इसकी वजह इंसान खुद होता है। एक तो अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं हम, और अगर वक्त रहते हम सावधान हो जाएं तो हम अपना जीवन खुद ही खुशहाल बना सकते हैं। अक्सर बात आती है माता लक्ष्मी जिन घरों में निवास करती है वहाँ पर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। ढेरों उपाय आपको रोज बताती हूँ कि लक्ष्मी का निवास चाहते हैं तो क्या करें या क्या ना करें। लक्ष्मी चंचला है, वो एक जगह नहीं टिकती है, और उनको टिकाने के लिए रोज आपको लक्ष्मी माता की आराधना करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है अगर आपके घर में आप 100 बार लक्ष्मी पूजन कर लें, लेकिन अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है, आपके घर में आपस में फैमिली मेम्बर्स में प्यार नहीं है, तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास कभी नहीं हो सकता। अगर आपके घरों में ये दो चीज़ है तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। अगर कोई भी पर्सन दरिद्रता का या दुर्भाग्य का शिकार हो रहा है तो उसकी वजह वो खुद होता है, क्योंकि उनके घरों में निवास करती है माता अलक्ष्मी, जो कभी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जितना कमाओ उतना ही कम लगता है, और ऐसे घर वाले इंसान हमेशा समस्याओं से घिरे हुए ही नजर आते हैं, हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इसकी मुख्य वजह होती है घरों में साफ सफाई ना करना, साथ ही साथ हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना। इस वजह से लक्ष्मी माता धीरे धीरे कब घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का घर में निवास होता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा जहां होती है, वहीं पर अगर आप घर में प्यार अपना बना के रखेंगे, अगर अपने घर में साफ सफाई का निवास रखेंगे, तो कभी भी आपके घर में माता अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। आज मैं आपको बता दूं कि माता अलक्ष्मी है कौन। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये अलक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी माता तो हमने सुना है, लेकिन अलक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है अलक्ष्मी माँ। अलक्ष्मी देवी को देवी ज्येष्ठा भी कहा जाता है। एक तरफ जहाँ माता लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत अलक्ष्मी देवी दरिद्रता और गरीबी की देवी मानी जाती है। अलक्ष्मी देवी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का बहुत ही क्लियर जिक्र किया गया है कि अलक्ष्मी जिस घर में अपना प्रवेश कर लेती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी माता का फिर वास नहीं होता, और घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। अगर हिंदू मान्यताओं की माने तो पद्म पुराण में अलक्ष्मी देवी के बारे में बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में जब अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था, उसी समुद्र मंथन में अलक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी देवी का वाहन उल्लू माना जाता है, जबकि अलक्ष्मी देवी का वाहन कौवा होता है। मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता को मीठी चीजों का भोग पसंद है, जबकि अलक्ष्मी को खट्टी और मिर्ची वाली चीजें पसंद है। इसलिए आपके घर के बाहर आप नींबू मिर्च लगाते हैं। माना जाता है कि अलक्ष्मी देवी को नींबू और मिर्ची बहुत पसंद है, खट्टी और तीखी चीजें, तो वो आती हैं और आपके घर के द्वार से ही उसे खाकर वापस तृप्त होकर चली जाती हैं। अलक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर हमेशा लोग झगड़ते रहते हो। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अगर आप करते भी हैं तो माता लक्ष्मी वहाँ ठहरती नहीं है, और अलक्ष्मी की दरिद्रता और गरीबी वहाँ पर प्रवेश कर जाती है।
इंसान और लक्ष्मी देवी को अपने घरों से दूर रखने के लिए ही माता लक्ष्मी की इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि अलक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी का जन्म दोनों का समुद्र से हुआ था, इसी के लिए दोनों को महत्व बहन मानते हैं। और मान्यता ऐसी है कि देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्दालक नामक मुनि से हुआ, और जब मुनि देवी अलक्ष्मी को लेकर अपने आश्रम में आए तब वहाँ अलक्ष्मी देवी ने आश्रम में प्रवेश नहीं किया। मुनि ने जब इसकी वजह पूछी तो अलक्ष्मी देवी ने कहा था कि आश्रम बहुत ही साफ सुथरा है और वो केवल ऐसे ही घर में रह सकती है जहाँ पर गंदगी हो, हमेशा लड़ाई झगड़े हो। ज्येष्ठा देवी यानी अलक्ष्मी देवी अशुभ घटनाओं, गरीबी, दुख, कुरूपता की देवी है। इनका किसी भी घर में वास उस घर की सर्वनाश की वजह बनता है, इसलिए लोग उनकी पूजा अपने घर से दूर रखने के लिए करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करके अलक्ष्मी को हमेशा के लिए आप अपने घर से दूर रख सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में दरिद्रता दूर करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई दुकान है, कार्य क्षेत्र है कोई भी, वहाँ पर रोज सुबह मोर पंख से अगर आप झाड़ा करते हैं तो माता अलक्ष्मी दूर हो जाती हैं। घर या दुकान से अलक्ष्मी को दूर करने के लिए एक नींबू और 7 मिर्च को मौली से बांध करके अपने मुख्य द्वार पर हमेशा टांग करके रखें। इससे माना जाता है कि माता अलक्ष्मी द्वार से ही भोजन करके वापस चली जाती हैं। पुराना कोई भी जूता हो उसे लेकर के आप अपने घर की छत पर टांग सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर पर किसी भी तरह की अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उससे आप गलत ऊर्जाओं से बचे रहते हैं। एक काली हंडी लेकर के उस पर आप सिंदूर की सहायता से एक राक्षस का चित्र बना लें और इस हांडी को कुछ इस तरह के से लगाएं ताकि मुख्य द्वार पर वो दिखाई दे। इस तरह से काली हांडी लगाने से भी चेहरा उस पर राक्षस का बनाकर लगाने से माना जाता है कि अलक्ष्मी घर से दूर रहती हैं। अपने घर में देवी लक्ष्मी के बैठे हुए स्वरूप का कमल के ऊपर विराजमान जो होती हैं माँ लक्ष्मी, उस स्वरूप का पूजा करना चाहिए, उसकी छाया चित्र लगानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही लाभ होता है क्योंकि आप जानते हैं कि लक्ष्मी देवी चंचला है और आप खड़ी लक्ष्मी का पूजन करते हैं या चित्र लगाते हैं तो माना जाता है कि लक्ष्मी माता चली जाती हैं। इसलिए हमेशा अपने घर पर मूर्ति हो या चित्र हो लक्ष्मी माता की, कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का उस घर में अस्थायी निवास होता है। आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार का चित्र अपने कार्यस्थल पर लगाना चाहिए। आपको खड़े हुए गणेश जी, लक्ष्मी जी चित्र अपने ऑफिस में लगाने चाहिए या कार्यस्थल पर, इससे माता लक्ष्मी आती जाती है। आप चाहें तो देवी लक्ष्मी पर 16 कमलगट्टे के दाने चढ़ा दें और फिर किसी लाल कपड़े में बांध करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कई सारे यंत्र होते हैं, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, इनमें से कोई भी यंत्र आप अपने घर पे या कार्यस्थल पर उत्तर दिशा की ओर स्थापित कर सकते हैं। आप अगर अमावस्या पर हर अमावस्या को अगर अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करते हैं और हर अमावस्या पर घर में जो भी बचा हुआ कूड़ा है, बेकार का सामान है, उसे अपने घर से निकाल कर फेंक देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अमावस्या के दिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन आपको ये काम करना चाहिए। इससे आपके घर पर जितनी भी पुरानी चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, वो सभी दरिद्र के रूप में आपके घर में विराजमान है, वो सभी दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी आपके घर से दूर चली जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कर्म अच्छे करें, किसी की भी बुराई या चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को चीत ना करें, अपने कर्म को अच्छा रखें, क्योंकि कर्म अच्छा रहता है तो वो लौट के आता है। अगर आप खराब कर्म करते हैं और आप 100 उपाय करते रहेंगे फिर भी आपको जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। दुख और दारिद्र आपके जीवन में सदा वास करेगी। ये सभी जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ शास्त्रों में लिखे गए उपाय हैं, तो इन्हें अपना लीजिए और अपने घर से दरिद्रता को और अलक्ष्मी को दूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।